हजारों कोस दूर बैठे अपने दुश्मनों को जो ढूंढ के मारे जो फोर्स कहलाते हैं मार्कोस। भारत सदा से ही वीर पुरुषों की धरती रहा है। यहाँ के धीर वीर सैनिकों ने हमेशा से ही देश की आन के लिए अपनी जान को मोर्चे पे अड़ाने में कभी भी देरी नहीं की है। हिंदुस्तान की यह विराट धरती सदा से ही एक से एक वीर जवानों को पुष्पित और पल्वित करती रही है। अपने प्यार और राष्ट्र की पहरेदारी के लिए ये सब सीमा पर जब खड़े होते हैं, तब इनकी बदौलत ही हम सब अपने अपने घरों में चैन की नींद से सो पाते हैं। लेकिन दुष्ट और स्वार्थी दुश्मनों और पड़ोसियों ने जब हमारी नींदें हराम करने के लिए अलग अलग जब तरीके निकालते हैं, तो हमारे वीर सैनिकों ने भी अनेक निपुणताओं के साथ उनका मुकाबला करने की ठानी है। इसी क्रम में जो एक प्रचंड शक्तिशाली और वीर सैनिकों का स्पेशल फोर्स यूनिट निकलकर सामने आता है, वो कहलाता है मार्कोस। मार्कोस भारतीय नौसेना की एक विशेष इकाई है और इनको एक विशेष ड्रेसअप के चलते इन्हें दाढ़ी वाला फौज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं और आपको यह हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एक लाइक करके लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स भारतीय नौसेना के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यूनिट है, जिन्हें किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। भारतीय नौसेना की इस स्पेशल यूनिट की स्थापना फरवरी साल 1987 में आतंकवादियों तथा समुद्री लुटेरों आदि को सबक सिखाने के लिए किया गया था। वैसे तो स्पेशल मरीन यानी समुद्री कमांडोज हैं, लेकिन यह सभी प्रकार के वातावरण में, जैसे समुद्र में, हवा में और जमीन में भी हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में पूर्णतः निपुण होते हैं। भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो ने अपनी विस्तृत अनुभव की कुशलता तथा प्रोफेशनलिज्म से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल की है। इनका मोटो है दी फ्यू दी फियरलेस, हिंदी में बोले तो बहादुर और निर्भीक। और आइए अब बात करते हैं मार्कोस कमांडो बनने की कठोर प्रक्रिया की। मार्कोस की इतना दृढ़ और व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है, ये नेवी ऑपरेशन से लेकर आतंकवाद और एंटी पायरेसी ऑपरेशन तक में माहिर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ मामलों में तो मार्कोस कमांडो को अमेरिकी की नेवी सील से भी 21 माना जाता है। कहने का मतलब है कि हमारे जो मार्कोस कमांडो होते हैं, यह अमेरिका के नेवी सील से भी बेहतर माने जाते हैं। जी हाँ, मानसिक और शारीरिक क्षमताओं में भारत की यह मार्कोस कमांडो अमेरिका के फेमस नेवी सील को भी पीछे छोड़ देते हैं। तभी तो मार्कोस कमांडो की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडोज में की जाती है। मार्कोस कमांडो के लिए सिलेक्शन होना इतना मुश्किल होता है कि इस पर सेना में एक कहावत है कि 10,000 भीड़ में से मात्र एक ही मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। और यह सच्चाई भी है दोस्तों, यह सच है कि सेना के 10,000 सैनिक में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। अब देखते हैं कैसे होता है मार्कोस कमांडो का चयन। भारतीय नौसेना की इस यूनिट में शामिल होने के लिए किसी भी कैंडिडेट को पहले 3 दिवसीय फिजिकल फिटनेस टेस्ट तथा योग्यता परीक्षा को पास करना पड़ता है। यह परीक्षा इतनी कठिन होती है कि लगभग 80% कैंडिडेट को स्क्रीनिंग के बाद बाहर कर दिया जाता है। मात्र 20% कैंडिडेट ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग लगभग 3 साल तक चलती है। भारतीय नौसेना की इस यूनिट में शामिल होने के लिए 20 साल के 100 में से मात्र 20 ही निर्भय और दुस्साहसी युवकों का ही चयन किया जाता है। कैंडिडेट के चयन के बाद उनकी 5 सप्ताह की अत्यंत दुष्कर ट्रेनिंग प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसमें ट्रेनिंग के दौरान ना तो जवानों को सोने दिया जाता है और ना ही खाने, और साथ में कठोर परिश्रम ही अलग से। इन यतनाओं के बाद भी जो कैंडिडेट ट्रेनिंग छोड़कर नहीं भागते, उन्हें ही मूल ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। मार्कोस की इस ट्रेनिंग में कैंडिडेट को जांघों तक कीचड़ के अंदर घुसकर 800 मीटर तक दौड़ लगानी पड़ती है। यही नहीं, इस प्रक्रिया के दौरान इनके कंधों पर लगभग 25 किलो का वजन भी रखकर दौड़ाया जाता है।
कहते हैं कि कसौटी पर घिस कर ही असली सोना निखरता है। सो इन कठिन अभ्यासों के बाद ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली दिलेर और बेस्ट कमांडो निकल कर सामने आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और इसमें आपको कमी क्या लगी वो भी कमेंट में बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। और आप अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।